हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाएंगे एक ज़बरदस्त सी दाल पालक डिश, जो कि बिल्कुल हेल्दी स्टाइल में बनाएंगे। मेरा चैनल वैसे भी सिंपल और हेल्दी ईटिंग टिप्स को प्रमोट करता है, तो इसलिए सारी रेसिपी यहाँ पर हेल्दी होती हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें फॉर नोटिफिकेशन एंड फॉलो दिस रेसिपी। लेट गेट स्टार्टेड इट। यहाँ पर हम तीन किस्म की दालें लेंगे, दाल मसूर, दाल मूंग और दाल माश। इनको अच्छी तरह साफ़ किया और वॉश करेंगे और इतना पानी डालेंगे जितने में ये गल जाए। और इसको ढककर पकाएंगे। ये दाल हमारी तकरीबन गल चुकी है, मुझे इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए, आप अपने मुताबिक थिक और थिन रख सकते हैं। हाफ कप मैंने होममेड देसी घी लिया है। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे, हल्का सा भूनेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस, 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टेबलस्पून टर्मरिक, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 प्याज डालेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला भूनते हुए जले नहीं, टोमेटोस, अब जो हमने दाल बॉईल करके रखी थी उसको ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अब इसमें ऐड करेंगे हरा प्याज और लहसुन जो के बारीक कटा हुआ है और 1 कप पालक ऐड करेंगे जिसको फाइन चॉप कर लिया है। हरी मिर्चें, अब धनिया पत्ता डालेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे और हल्का सा दम लगाएंगे। अब ज़्यादा पकाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, पालक दम में ही गल जाएगी। मैं यहाँ पे होममेड बटर से इसकी ड्रेसिंग कर रही हूँ, आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, इससे जायका और टेस्ट मज़े का आता है। तो तैयार है हमारी हेल्दी ढाबा स्टाइल दाल। आप इसको चावल, रोटी, नान के साथ ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें रखें अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।